जैसा कि फ्लैट पैटर्न की दो विधियां हैं, पाइवेट मेथड एंड कट स्प्रेड मेथड, तो मैं आज ये करके बताऊंगी कि जो हमारे पास ऑलरेडी पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं स्टैंडर्ड साइज के, उनमें अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पैटर्न अवेलेबल है, ये हमारा सेंटर फ्रंट है जिसमें कि हमारे पास वेस्ट डार्ट है और साइड डार्ट है। तो आज हम ये देखेंगे कि साइड डार्ट को वेस्ट डार्ट में कैसे कंबाइन करेंगे, साइड डार्ट को वेस्ट डार्ट में कैसे कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग पाइवेट मेथड एंड कट स्प्रेड मेथड। जो कि पैटर्न कंबाइनिंग के बाद कैसे बन के आएगा, अब हम करके देखते हैं कि जैसे कि मैंने ले रखे हैं, मेरे पास स्टैंडर्ड साइज के पैटर्न्स अवेलेबल हैं। ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास हाफ साइज का पैटर्न है जिसको कि मैंने बुक से लिया हुआ है। इस पैटर्न में ये फ्रंट पैटर्न इसमें कि हमारे पास वेस्ट डार्ट है, ये हमारी साइड डार्ट है। तो सबसे पहले इस पैटर्न को मैं ड्रॉ करूंगी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे वेस्ट डार्ट के साथ साइड डार्ट को कंबाइन करना है। तो मैं क्या करूंगी, साइड डार्ट को क्लोज करूंगी। क्लोज कैसे होगा, जैसे कि ये पॉइंट है मेरा, ये साइड डार्ट का पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगी कि दूसरे पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के संग क्लोज करूंगी और ये हमारा पाइवेट पॉइंट है जिसको हम की धुरी पॉइंट बोलते हैं। इसको लेके ही हम इसको मूव करेंगे। तो क्या करेंगे, और जो हमारा वेस्ट डार्ट है, वेस्ट डार्ट का पहला लेग है, उसको मैं क्लॉक वाइज ऐसे मूव करूंगी। और ये देखिए, जो हमारा सेकेंड फर्स्ट पॉइंट था साइड डार्ट का, वो सेकंड पॉइंट से क्लोज हो गया, ये तो हमारा ये बंद हो गया है। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा ये पॉइंट है साइड सॉरी वेस्ट डार्ट का, वो यहां पे आ गया है। तो इसको यहां से हमने ऐसे इसके संग खींच लिया और ये इसके संग इसको मैंने कंबाइंड कर दिया। और ये हमारा पाइवेट पॉइंट है, ये मैंने यहां पर मार्क कर दिया। तो ये जो हमारा डार्ट का वेस्ट डार्ट का पहला पॉइंट है वो वहीं रहेगा और जो सेकंड पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि हमने इस डार्ट को इस डार्ट के साथ कंबाइन करा है। तो इसकी चौड़ाई क्या है, इन दोनों का प्लस पॉइंट हो जाएगा, जो मैंने कि इनिशियल में बताया था। और फिर इसके बाद मैं इसको यहां से ड्रॉ करूंगी। आप इसको स्केल से कर सकते हैं, मैं यहां से हाथ से ड्रॉ करके बता रही हूं। डार्ट के हमारे दोनों लेग हमेशा स्ट्रेट होते हैं और ऐसे कंबाइन करेंगे। तो ये क्या है हमारी वेस्ट डार्ट, तो हमने साइड डार्ट को वेस्ट डार्ट में कंबाइन कर दिया बाय यूजिंग पाइवेट मेथड, ठीक है। और इसको कटिंग करेंगे तो यहां पे ये हमारे कटिंग पॉइंट है, यहां से इसको कट कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। अब दूसरा है, दूसरा मेथड था हमारा कट एंड स्प्रेड मेथड, उसमें हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे। जो हमारा शेप है पूरा पैटर्न का उसे कट कर लेंगे। जैसा कि हमने लेक्चर्स में देखा हुआ था कि हमारे पैटर्न में अलग अलग लोकेशंस होती हैं डार्ट्स की, अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू द फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस मेथड से दोनों, जो भी हमारे कट और स्प्रेड मेथड है या हमारे पास पाइवेट मेथड है, उन दोनों मेथड का यूज करके हम किसी भी लोकेशन में डार्ट को मूव कर सकते हैं। अभी मैं पहले बेसिक बता रही हूं जिसमें कि मैंने बताया कि साइड डार्ट को वेस्ट डार्ट से कैसे कंबाइन करेंगे, अभी हमने देखा था पाइवेट मेथड से। अब हम कट और स्प्रेड मेथड से कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, साइड डार्ट को हम ऐसे कट कर दे रहे हैं वैसे ही, वेस्ट डार्ट का कट करेंगे
अब क्या करेंगे, इसको हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें इसको कंबाइन करना है। जिसको क्लोज करेंगे तो इसको हल्का ऐसे लेके या तो नीचे से कुछ अलग पेपर लगा दें या इसको स्लाइट इसके ऊपर लेके उसको पेस्ट कर देंगे। और बहुत स्लाइट लेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं लेंगे, उतना एरिया हमारा ओपन होगा। और जो बल्ज आ रहा है, ये बल्ज हमारा प्याम रिमूव हो जाएगा जब आप डार्ट को स्टिच करेंगे और इसको हमें फाइनली दूसरे उसमें ड्रॉ कर लूंगी जिसमें कि हमारा बल्ज नहीं होगा। और जब भी पैटर्न बनता है तो उसमें सेंटर फ्रंट मार्क करते हैं, ग्रे लाइन को मार्क करते हैं। इसको कट कर लूंगी। और कोई भी जो डांट होती है, डांट की जो हमने बताया था, डांट की प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारी फिटिंग डांट्स होती हैं वो हमारे जो बस सर्कल होता है उसके बाउंड्री में रहेंगी या उसके अंदर जाएंगी, कभी भी बस पॉइंट को क्रॉस नहीं करती हैं डांट्स। जो हमारी डेकोरेटिव डांट्स होती हैं वो हमारी बस पॉइंट की पेरिफेरी से बाहर की साइड रहती हैं। देखो ये दोनों हमारे मेथड हैं और दोनों मेथड से हमारा बन गया है, दोनों डार्ट्स की चौड़ाई हमारी बराबर है। ये देखिए पहला वाला हमारा था पाइवेट मेथड से और ये हमारा है कट एंड स्पैड मेथड से। तो ये हमारे दोनों बन गए हैं जिसमें कि हमने साइड डार्ट को वेस्ट डार्ट से कंबाइन करा है। इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास एक बन के आ गया है जिसमें कि हमारी खाली फ्रंट जो पैटर्न है इसमें हमारे पास वेज डार्ट है, मुझे इस डार्ट को शोल्डर में कंबाइन करना है। शोल्डर में अलग अलग लोकेशंस होती है, वेज डार्ट को शोल्डर डार्ट में शिफ्ट करेंगे। ये मेरी लोकेशन है तो मैं क्या करूंगी, इसमें इसको ड्रॉ करूंगी। मैंने सेंटर में लोकेशन को मार्क कर दिया है। इसमें मैं यहीं तक इसको करूंगी पहले। अब मुझे क्या करना है, मैं इस पॉइंट को, पहले पॉइंट यही रहेगा मेरा, इसको कंबाइन कर इसको यहां से क्लोज करूंगी और ये जो इसका पाइवेट पॉइंट है इसको इससे हम इसकी दूरी में इसको घुमाएंगे। तो ये करा, यहां से यहां लेके आए, ये क्लोज हो गया, ये देखिए इस पॉइंट में आया, यहां पे क्लोज हो गया है और ये यहां पे आ गया इसका पॉइंट, ये हमने मार्क कर दिया। और यहां से हम इसको ये मार्क करेंगे, यहां पे ऐसे लेके आएंगे, ये करेंगे और ये यहां से इसके साथ इसको लेबलिंग करेंगे। ठीक है, ये पाइवेट पॉइंट है तो इसको यहां से यहां मिलाएंगे और इसको यहां से यहां मिलाएंगे। जो भी कोई भी डार्ट होती जस्ट पाइवेट पॉइंट में नहीं आती है, ये मस्ते बाद हमारा बस सर्कल होता है, ये या तो इस पॉइंट तक आएगी या इससे अंदर आ सकती है, इसको क्रॉस नहीं कर सकती है। तो यह आया हमारा, यहां से हमने इसको ये लेके आए और यहां से ये लेके आए। तो मैंने क्या करा, वेज डार्ट को शोल्डर डार्ट में शिफ्ट करेंगे बाय यूजिंग पाइवेट मेथड, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। और मैं क्लॉकवाइज मूव कर रही हूं,
आपने देखा होगा मैंने दोनों साइड क्लॉकवाइज को मूव करा है पैटर्न को, लोकेशन को डांट की शिफ्ट करने के लिए। ये मेरा पैटर्न बन गया जिसमें कि वेस्ट डार्ट को मैंने शोल्डर में शिफ्ट करा बाय यूजिंग पिवट मेथड। अब सेकंड है कट एंड स्प्रेड मेथड, उससे हम कैसे करेंगे। ये लोकेशन तो मैंने मार्क करी रखी है, इसको ड्रॉ करूंगी दूसरे पेपर में। पिवट मेथड में थोड़ा टफ होता है कि कहाँ घुमाना है, कैसे लोकेशन आएगी। कट और स्प्रेड मेथड ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू पिवट मेथड। तो जो भी आपको इजी लगे उस मेथड का आप यूज कर सकते हैं पैटर्न में चेंज करने के लिए। ये मेरी लोकेशन थी और इसको लेके मैंने पिवट पॉइंट को मार्क करा, ये है। इसको लेके फिर मैंने ये लाइन खींच दी यहाँ पे जहां पे हमको डार्ट को शिफ्ट करना है। अब क्या करूंगी मैं, इसको कट कर दिया। पहले पैटर्न का बेसिक शेप है उसको हम कट कर लेंगे। अब जो हमने डार्क की लोकेशन है उस पर हमने लाइन खींची उस लाइन को कट करेंगे और जिस पॉइंट तक हमने इसको मार्क करा वहां तक कट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बेस डार्ट को हम क्लोज करेंगे जैसे कि पहले करा था वैसे ही क्लोज करेंगे। जो बल्ज आ रहा है वो बल्ज की कोई बात नहीं है क्योंकि आप इसको क्लोज करें तो बल्ज आएगा ही। उसको फिर हम फाइनली दूसरे उसमें जितना इसको करेंगे उतना यहां से फैल जाएगा। ये हमारी डार्ट में स्प्रेड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम दूसरे उसमें फाइनली ड्रॉ कर लेंगे। ये जो बल्ज आ रहा है क्योंकि डांट है, डांट में मासा बल्ज क्रिएट होता ही है, इसको क्लोज कर रहे हैं। लेकिन जब इसको आप ऐसे डालोगे तो इसमें बल्ज हमारा हट जाएगा। इस वाले पोर्शन को ऊपर प्लेस करना, ये पोर्शन हमारा स्ट्रेट रहेगा और इसको आप स्ट्रेट ही रखेंगे। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। और यहां से आप उसको ये ड्रॉ करेंगे, ये देखिए पूरे ओपन हो गई है।
और यहाँ से आप इसको ये मिला देंगे और स्केच की कटिंग करेंगे। जी पोर्शन है सेंटर फ्रंट वाला, ये हमेशा सीधा रहता है, इसलिए जब भी आप मूव कर रहे हैं पेस्ट कर रहे हैं तो इसको इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि जो सेंटर फ्रंट वाला पोर्शन है दैट शुड बी इन अ स्ट्रेट फॉर्म। तो कट और स्प्रेड मेथड से हमने वेस्ट डार्ट को शोल्डर डार्ट में शिफ्ट कर लिया। तो अभी तक हमने देखा ये हमारा था पाइवेट मेथड से, ये था कट एंड स्प्रेड मेथड से, ये भी हमारा था कट एंड स्प्रेड मेथड से। तो अभी तक हमने देखा कि पाइवेट मेथड्स को यूज करके और कट एंड स्प्रेड मेथड को यूज करके हम अवेलेबल पैटर्न में कोई भी चेंज कर सकते हैं और डार्ट का मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। जो अभी हमने देखा बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स डार्ट मैनिपुलेशन प्रिंसिपल को हमने फॉलो करा है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप YouTube के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वीडियो रूप में स्टडी मटेरियल और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सबसे पहले जानने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के YouTube चैनल UOU Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।